एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि गोरखनाथ मंदिर में मंगलवार को आतंकी हमलों से निपटने के लिए एटीएस के साथ अभ्यास किया गया है। अभी तक जो भी आतंकी हमले हुए हैं उन सभी से सीख लेते हुए मंदिर में बम स्क्वाड टीम के साथ सभी जरूरी हथियारों से लैस सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है। प्रयास है कि खिचड़ी मेला शांतिपूर्वक सम्पन्न हो। उन्होंने कहा कि खिचड़ी मेला में 5 QRT टीम को लगाया गया है। इसके अलावा PSC की कई कंपनी व जोन के अन्य जिलों से भी फोर्स की ड्यूटी लगाई गई है, क्योंकि मंदिर में मकर संक्रांति के दिन देश के विभिन्न प्रदेशों से लोग गुरु गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के लिए आते हैं, जिनके वाहनों की पार्किंग के लिए 15 जगह पार्किंग बनाया गया है तथा मंदिर में विभिन्न जगहों पर अलाव की भी व्यवस्था की गई है, जिससे कि किसी भी श्रद्धालु को ठंड में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा कि हम लोगों का पूरा प्रयास है कि खिचड़ी मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को सभी तरह की सुविधा मुहैया कराई जाए। इस अवसर पर ADG जोन अखिल कुमार, IG DIG जे रविंद्र गौर, CO मंदिर सुरक्षा अजय सिंह सहित ATS फोर्स मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, गोरखनाथ मंदिर में आज प्रातःकाल में एंटी टेरर स्क्वाड जो ATS उत्तर प्रदेश के CO और अन्य गजेटेड ऑफिसर्स के साथ ADG महोदय के उसमें निर्देशन में हमने एक प्रॉपर सिनेरियो बिल्डिंग के साथ में पूर्व में भी हुए ऐसे हमले और तमाम अयोध्या जैसे महत्वपूर्ण जगहों पर भी पूर्व में भी जो जो आतंकवादी हमले उन सभी से सीख लेते हुए हमने एक प्रॉपर डिप्लॉयमेंट जिसमें स्नाइपर, बाइनोकुलर्स और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स और इस तरह की तमाम अरेंजमेंट्स हैं उन सबको मद्देनज़र रखते हुए किए गए हैं और उम्मीद है कि खिचड़ी मेला है वो एकदम स्मूथ तरीके से संपन्न होगा। आज की जितनी भी व्यवस्था है उसको देख के हम संतुष्ट हैं कि हर डिपार्टमेंट, चाहे वो फायर डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एंटी टेरर स्क्वाड हो, चाहे वो QRTs हैं, 5 QRT उसके लिए डिप्लॉय की गई है और मेले के लिए तमाम PSC की कंपनियां, यहां के जितनी भी फोर्स है और जोन से भी फोर्स मिली है, यहां तक कि हेडक्वार्टर से भी फोर्स का डिमांड किया है, तो एक काफ़ी अच्छी फोर्स के बीच में लाखों की तादाद में खिचड़ी चढ़ाने आने वाले सभी लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो इसके लिए करीबन 15 पार्किंग्स भी आइडेंटिफाई की गई हैं। सभी पार्किंगों पर अलाव, मेले में पूरी हर जगह पर अलाव, ताकि इस ठंड में लोगों को परेशानी नहीं हो, इस तरह की तमाम व्यवस्थाएँ की गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी आने वाले दर्शनार्थी बहुत अच्छा उनको मौका मिलेगा गुरु गोरक्षनाथ के दर्शन करने का।